एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो और आज का दिन है मंडे तो आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल और एडिटोरियल सबको पता है कि इंपॉर्टेंट्स आते हैं तो आप इनको मिस मत कीजिएगा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन वीडियो को लाइक like, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रह सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल उसको हम लोग डिस्कस करते हैं रॉयल ब्लैक पिंक सिटी एंड डिलेबल काली हैज़ रिटेन रेम्स ऑफ हिस्ट्री इन अ फॉलोइंग ट्रेडिशन ठीक है Black, City, तो यहाँ पर एक काली स्याही के बारे में डिस्कस किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पच्चीस दो साल, साल पहले इसको यूज़ किया जाता था ठीक है ढाई साल पहले इसको यूज़ किया जाता था इन द कचवाहा रूलर रीजन ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये उनके ट्रेडिशन को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं ठीक है सो कीपिंग अ लाइव अ ट्रेडिशन डेटिंग बैक टू द रीजन्स ऑफ कचुआहा रूलर अ फैमिली ऑफ वर्ल्ड सिटी इन जयपुर मेक इन ब्लैक इंक्स और काली सियाही यूज 250 फिफ्टी ईयर्स अ फॉर राइटिंग रॉयल फरमानस ठीक है तो यहाँ पर जो फरमानस को लिखा जाता था एक्चुअली ढाई साल पहले ठीक है तो उस टाइम पे जो कछवाहा रूलर्स हुआ करते थे ठीक है उनके रीजन में काली स्याही का यूज़ किया जाता था और वो फरमान्स जो भी लिखते थे वो एक्चुअली इस काली स्याही से ही लिखा जाता था ठीक है और जो भी लेजर्स वगैरह अकाउंट के लेजर्स वगैरह जो मेंटेन करते थे वो इसी स्या से वो किया जाता था ठीक तो है द फोर्थ जनरेशन ऑफ़ द फैमिली नाउ प्रोड्यूस द इंक एवरी दीपावली ठीक है तो ये फोर्थ जनरेशन इस फैमिली के फोर्थ जनरेशन है ठीक है और यहाँ पर ये हर दीपावली में ये इंक को प्रोड्यूस करते हैं वाइल्ड द अस्ट वाइल्स रॉयल फैमिली यूज़ द इंक फॉर इट्स ऑफिशियल ट्रांजेक्शन ठीक है तो जो रॉयल फैमिली होती थी वो इसको यूज करती थी फॉर इट्स ऑफिशियल ट्रांजेक्शन एंड द बिजनेसमैन ऑफ द प्रिंसली स्टेट यूज इट टू राइट दियर अकाउंट्स ठीक है तो जो बिजनेसमैन होते थे उस टाइम पे वो एक्चुअली इस चीज़ का यूज़ करते थे किस लिए ताकि वो जो भी अकाउंट्स और लेजर्स को लिखते थे वो इसी सिया से वो लिखते थे इवन यूनिवर्सिटीज़ इस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अवार्डेड डिग्री रिटर्न विद दिस इंक ठीक है तो आप अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद जब यूनिवर्सिटीज़ इस्टैब्लिश हुई ठीक है तो उसके बाद जो डिग्री वो प्रोवाइड करते थे ना वो इसी इंक से एक्चुअली रिटर्न हुआ करती थी एंड द इंक वॉज बिलीव टू वॉर्ड ऑफ एवल एंड ब्रिंग प्रोस्पैरिटी टू द टू इट्स यूजर द मैनुफेक्चर ऑफ द इंक लाइव लाइव इन बाई नियर संगार टाउन बट वे आर इन्वाइटेड टू वर्ल्ड सिटी बाय द जयपुर रॉयल्स टू फिफ्टी फाइव ईयर अगो ठीक है तो जो मैनुफैक्चर ऑफ द इंक है वो एक्चुअली uh, कहाँ पर रह रहे हैं ठीक है इट्स संगनेर टाउन के आसपास वो रहते हैं ठीक है बट इट वॉज इन्वाइटेड टू द वर्ल्ड सिटी बाय द जयपुर रॉयल्स टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव ईयर अगो ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली उनको इन्वाइट कर दिया गया था वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर में एक्चुअली उनको इन्वाइट किया गया था पहले ये रहते थे कहाँ पर संगनेर टाउन में ये पहले रहते थे ना 250, 250 इनको इन्वाइट किया गया था दो सौ पचास साल पहले इनको रो, इन्वाइट किया गया था इन द जयपुर रॉयल सिटीज़ में ओके और यहाँ पर वो सारी चीज़ें चलती थी एक्चुअली और सियाही की दुकान के नाम से एक्चुअली ये फेमस है ठीक है काले इलाही की दुकान के नाम से ये फेमस है ओके इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिखिएगा ही टोल्ड दैट टू द हिंदू दैट द इंक वॉज मेड ऑफ नेचुरल इंडिग्रेंट्स ठीक है तो जो इंक होता है ना उसकी एक्चुअली बनावट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये नेचुरल इंडिग्रेंट का यूज करके एक्चुअली इस इंक को बनाया जाता है यूजिंग अ ट्रेडिशनल प्रोसीजर हैंडल टाउन फ्रॉम जनरेशन ठीक है तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन से ओके एंड द ब्लैंक इंक है इज प्रिपेयर्ड ऑन नो मून नाइट ठीक है तो यहाँ पर जो ब्लैंक uh, जो ब्लैक इंक है उसका वो कब एक्चुअली प्रिपेयर किया जाता है और ना नो मून नाइट ठीक है विथ चैंटिंग और मंत्राज ठीक है जो मंत्र मंत्राज का चैंट करके ठीक है एक्चुअली मंत्राज को चैंट करके ये सारी चीज़ के यहाँ पर बनाने का फॉर्मेशन की बधाई बताई गई है ओके की मंत्र मंत्र को पढ़कर इस ब्लैंक इंक को बनाया जाता है इट इज़ मेड इट इज़ मेड ऑफ काजल ठीक है होम मेड मास्क्रा ठीक है जिसको काजल हम लोग बोलते हैं ना घर में जो काजल लगाते हैं ठीक है उसका और उसके बाद गूंध हो गया ठीक है गोंद हो गया एलिडिबल जो गम होते हैं और अदर लोकली आपके सोर्स हर्बल इंडिग्रियट्स होंगे वो सारी चीज़ों को बनाकर एक्चुअली यहाँ पर ब्लैक इंक का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो नो मून लाइट में नाइट uh, में ये बनता है विथ चैंटिंग्स ऑफ मंत्रास ठीक है और इसमें कौन कौन से इंडिग्रियट्स यूज किए जाते हैं काजल हो गया गोंद हो गया ठीक है और अदर हर्बल इंडिग्रेंट्स का यूज किया जाता है इसमें ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा ओके नाव होप यू वर्ट क्लैरिटी और यहाँ पर यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी विच इज ऑल अबाउट द काली सियाही लगभग ढाई सौ साल पहले यूज किया जाता था इन द कचवाहा रूलर रीजन ओके सो होप यू वट क्लैरिटी नाउ एक दो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल न्यूज को मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर अंडर थ्रेट वॉन यूनेस्को ठीक है कल के दिन ये आर्टिकल आया हुआ था आई थिंक मैंने इसको मिस कर दिया था बट बाद में मैंने देखा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिस था ठीक है मतलब कि एक तिहाई वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर का एक तिहाई पार्ट अभी आज के डेट में अंडर थ्रेट है ये किसने कहा है यूनेस्को ने कहा है ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक तिहाई पार्ट अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर थ्रेट है ठीक है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ठीक है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये थ्रेट और ज़्यादा तेजी से बढ़ता रहा है टेम्परेचर इंक्रीज ठीक है हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है स्टडी सेड इट वॉज स्टिल पॉसिबल टू सेव अदर टू थर्ड ऑफ इट्स, ठीक है ठीक है वन थर्ड तो यहाँ पर अंडर थ्रेट है ठीक है लेकिन अभी दो पार्ट उसका बचा हुआ है ना दो तिहाई पार्ट उसका बचा हुआ है उसको बचा सकते हैं ठीक है उसको अगर हम उसको हम बचा सकते हैं अगर जब हम मान लीजिए अगर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको अगर हम रोक उसको हम रोकें तो उससे हम क्या कर सकते हैं देखिए मान लीजिए अगर टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं जो अदर टू थर्ड ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर है उसको हम क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं ओके द यूनेस्को सेट दैट दिस वुड बी अ मेजर चैलेंज फॉर द डेलीगेट्स एट द अपकमिंग सी ओ पी ट्वेंटी सेवन ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली यूनेस्को ने कहा है कि ये जो डेलीगेट्स पर 27 में मिलने वाले पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स एक्चुअली यहाँ डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एक्चुअली uh, बताया जा रहा है कि अगर uh, वो इससे नीचे यहाँ पर टेम्परेचर रहा तो हम टू थर्ड पार्ट को हम बचा पाएंगे सो द ट्वेंटी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर सिक्स टू एटीन दिस ईयर इन इजिप्ट ठीक है तो इजिप्ट में सी ओ पी ट्वेंटी सेवन होने वाला है आप सबको पता है यू एन ट्रिपल सी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगा ओके नवंबर छः से अठारह के बीच में सी ओ पी ट्वेंटी सेवन विल हैव क्रूशियल रोल टू हेल्प फाइंड सोल्यूशन टू दिस इशू ठीक है तो यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा ठीक है और यहाँ पर हो सकता है कि एक हमें सॉल्यूशन देखने को मिले रिगार्डिंग दिस इशू यूनेस्को इज डिटरमाइंड टू सपोर्ट द स्टेट इन परसोइंग दिस ग्लोल ओके इन एडिशन टू प्रास्टिकली रिड्यूस कार्बनस्को हैज एडवोकेटिंग फॉर क्रिएशन अ न्यू इंटरनेशनल फंड फॉर ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन ठीक है अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह सारी चीज़ों को एक्चुअली देखते हुए यूनेस्को ने हाँ पर for, uh, for fund, यहाँ पर एडवोकेट किया फॉर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल फंड ठीक है यहाँ पर ग्लेशियर के लिए ग्लेशियर को मॉनिटर करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर uh, यहाँ पर बताया गया है कि एक न्यू इंटरनेशनल फंड की क्रिएशन करने की जरूरत है ओके सच अ फंड वुड सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्चेस ठीक है कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च को यहाँ पर सपोर्ट करेगा प्रोमोटिव जो एक्सचेंज होंगे नेटवर्क्स बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड इंप्लीमेंट अर्ली वार्निंग डिजास्टर रिस्क रिस्क रिडक्शन मेजर्स उन सारी चीज़ों को यहाँ पर यह सारी चीजें देखी जाएंगी ओके वेन ग्लेशियर मेल्ट रैपिडली जब ग्लेशियर मेल्ट करता है रैपिडली तो मिलियन ऑफ पीपल फेस स्कॉसिटी एंड द इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लडिंग एंड मिलियंस मोर मे बी डिसप्लेस बाय द रिजल्ट राइज इन द सी लेवल ठीक है तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख हमें देखने को मिलेंगी अगर हम इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ठीक है अगर ग्लेशियर ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा तो हमें वाटर स्कॉसिटी देखने को मिलेगा ठीक है ऑफकोर्स हमें फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी और अगर सी लेवल का सी लेवल राइज़ करता है तो आप जानते हैं कि आने आने वाले टाइम में क्या होगा जो लैंड एरिया है वो भी कम होती हुई आपको यहाँ पर देखेंगी ओके सो अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था ओ, मैंने आपको कल के दिन नहीं बता पाया सो होप यू गॉट क्वालिटी नामूव के उधर अपने न्यूज़पेपर के बढ़ते हैं ठीक है देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और अभी शायद दिल्ली की जो एयर है वो अभी इंप्रूव करती जा रही है तो इसलिए कर हटाया गया है ठीक है कर लिफ्टेड इन दिल्ली एज एयर क्वालिटी इंप्रूवस ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने को मिलेगी ओके ना मूव टू द बॉटम पार्ट ऑफ द न्यूज़ ठीक है उसके बाद हम वहाँ से सीधा ऊपर की ओर मूव करेंगे ठीक है सो कल के दिन इंडिया जीत गया ठीक है और यहाँ पर नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एयर स्ट्राइक्स कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई इन यूक्रेन ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ खेरसन ठीक है तो खेरसेन में आप यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेंगे बाय द यूक्रेन ठीक है बाय द यूक्रेन यहाँ पर उन्होंने क्या किया एयर स्ट्राइक किया है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो कट कट हो गई है और वाटर की सप्लाई भी कट हो गई है यूक्रेन के ऑक्यूपाइड जो सिटी है खेरसन में ओके यूक्रेन रशिया ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ खेरसन वॉज कट ऑफ water and electricity supply on Sunday.

ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है कि जो खेरसन है और कुछ अदर्स एरियाज़ है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अभी नहीं है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वाटर सप्लाई यहाँ पर नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें पहली बार आप देखेंगे रशियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो खारकोवा जो डैम्स है इन खेरसन इट वॉज डैमेज बाई द यूक्रेनियन एयर स्ट्राइक्स ठीक है जो खारकोवा जो डैम है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खेरसन में ठीक है उसको डैमेज कर दिया गया है किसके द्वारा यूक्रेन के एयर स्ट्राइक्स के द्वारा ठीक है तो ये सारी चीजें एक्चुअली रशिया ने बताया है ओके न मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 किल्स एज प्लेन क्रॉसड इन टू तंजानिया लेक। ठीक है लेक विक्टोरिया में एक्चुअली एक प्लेन क्रैश किया ठीक है और उससे लगभग 19 लोगों की जाने गई हैं ठीक है ये सारी चीजें एक्चुअली यहां पर बताई गई है ओके uh, ये न्यूज बस याद रखिएगा कि लेक विक्टोरिया कहाँ पर है तंजानिया में ठीक है लेक विक्टोरिया तंजानिया में है ठीक है uh, ये आपको याद रखना है ओके नाम मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी ओ पी ट्वेंटी सेवन पुट्स क्लाइमेट कॉम्पेसेशन ऑन एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है तो यहां पर क्लाइमेट के ऊपर कंपनसेशन की बात करने की बात की गई है पह, पहली बार ठीक है सीओपी 27 की चल रही है, 6 से 18 के में है, और इजिप्ट में है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, है है, आ, यहां पर क्या लिखा हुआ ये पढ़ते हैं दिस वॉन्ट गारंटी कंपनसेशन और एक्नोलॉजीबलिटी बट इज इंटेंडेड टू लीड अ कंक्लूसिव डिसीजन नो लेटर दैन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है ये यह यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि ये एक गारंटी नहीं करेंगे ठीक है कॉम्पनसेशन यहाँ पर गारंटी नहीं करेंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ जो डिसीजंस होगा ये 2024 के बाद ही लिया जाएगा उससे पहले नहीं लिया जाएगा डेलीगेट्स एट द सी ओ पी ट्वेंटी सेवन क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट एग्रीड आफ्टर लेट नाइट टॉक टू पुट अ डेलीगेट डेलीकेट इशूज ऑफ वेदर रिच नेशन शुड कॉम्पन्नेट पुअर कंट्रीज मोर वनरेबल्स टू क्लाइमेट चेंज ऑन द फॉर्मल एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी डिस्कशन हुई रिगार्डिंग दिस की जो नेशंस हैं जो एक्चुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या उनको डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ फंड प्रोवाइड करने चाहिए ठीक है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था सौ बिलियन डॉलर के यहाँ पर फंड देंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट थ्रेट्स हैं उन सा, उन सारी चीज़ों से वो लड़ सके ठीक है तो अभी तक तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखती हुई नहीं देखी है ओनली जो सौ परसेंट अगर मानते हैं तो सिर्फ दस परसेंट दिया गया है यही हम बोलेंगे ठीक है ज़्यादा हमें फ़ंड मिला नहीं है तो हम कैसे लड़ पाएंगे ठीक है ऑफ कोर्स वी आर इन डेवलपिंग स्टेज तो हम इस सारी चीज़ों के ऊपर हम हमें एक्चुअली हमें काम करने की जरूरत है और हमें ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज की सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी ताकि हम ये जो सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज़ हैं उससे हम लड़ सकें फॉर मोर देन अ डिकेड वेल्दी नेशन हैव रिजेक्टेड ऑफिशियल डिस्कशन ठीक है तो बहुत सालों से बहुत सौ साल, हम सालों से ये देखते आ रहे हैं कि जो वेल्दी नेशन है उन्होंने रिजेक्ट करता है रिजेक्ट uh, करते हुए आए हैं ऑफिशियल डिस्कशन को ऑन वॉट इज रेफर्स टू अस लॉस एंड डैमेज और फंड दे प्रोवाइड कंट्रीज विदिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो रिजेक्ट करते हुए आए हैं ठीक है जो वेल्दी नेशन है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये एक्चुअली रिजेक्ट किए हैं कि एक्चुअली जो लॉस होती है डैमेज होती है ठीक है या फिर जो फंड एक मिलना चाहिए टू द पुअर कंट्रीज़ सो दैट की वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबल वार्मिंग के उससे वो लड़ सके तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली ये सारी चीज़ें ये क्या करते हैं रिजेक्ट करते हुए आ रहे हैं ठीक है बहुत सारे ठीक है पहले से ही ओवर द डिकेट्स टू थ्री डिकेट्स अगर आप देखें तो ये रिजेक्ट करते हुए आ रहे हैं एट सी ओ लास्ट ईयर इन ग्लास हाई इनकम नेशन ब्लॉक प्रपोजल फॉर लॉस एंड डैमेज डैमेज फाइनेंशियल बॉडी ठीक है तो यहाँ पर हम सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में यहाँ पर हम देखेंगे जो कि ग्लासगो में हुआ था ठीक है हाई इनकम जो नेशंस थे डेवलप्ड जो कंट्रीज थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था ये प्रपोजल को कि यही जो प्रपोजल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको फंड मिलना चाहिए फॉर द जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उनके जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं ठीक ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं उससे जो डेवलपिंग कंट्रीज लड़ रही हैं और उसके रिगार्डिंग इनको एक, एक, एक इमप्रोप्रिएट फंड मिलना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया था सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में ब्लॉक कर दिया था ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द लॉस एंड डैमेज डिस्कशन नाउ नाउ ऑन ऑन सीओपी ट्वेंटी सेवन एजेंडा विल नॉट गारंटी कंपनसेशन ठीक है तो यहाँ पर गारंटी गारंटीड कंपनसेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी एक्चुअली ये बताया गया है लाइबिलिटी बट वी बट आर बट आर इंटेंडेड टू लीड अ कंक्लूसिव डिसीजन नो लेटर ट्वेंटी ठीक है ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक तो यहाँ पर कोई भी गारंटीड कंपनसेशन नहीं दी जाएगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक डिसीजन देखने को मिलेगा 2024 तक ठीक है 2024 के आसपास हमें यहाँ पर डिसीजन देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग दिस ठीक है आप मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये कहते हैं सी ओ uh, में जो सारी चीज़ें एक्चुअली हो रही थी वही सारी चीज़ों को यहाँ पर ये फिर से रिपीट कर रहे हैं और अगर लेट करते जाएंगे तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं फॉर द अपकमिंग फ्यूचर इन द अपकमिंग फ्यूचर ठीक है तो इसके रिगार्डिंग हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और डेवलप्ड जो कंट्रीज उनको समझने की जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना इतनी इनकम नहीं है कि वो इन सारी चीजों से लड़ सकें ठीक है तो उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है सो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताए गए हैं और आर्टिकल में ओके होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप ऑफ स्नो लिपर्ड इन कश्मीर ठीक है तो स्नो लिपर्ड की यहाँ पर एक्चुअली तस्वीरें ली गई है ठीक है रिकॉर्डिंग्स uh, यहाँ पर की गई है ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ स्नो लिपर्ड फ्रॉम बाल्टल जोर्जिला रीजन हैज रिन्यूड होप ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीडेटर ऑफ हायर एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज बाय रिसर्च फ्रॉम नेचुरल नेचुरल नेचुरंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया ठीक है ट्रैपिंग एक्सरसाइज है एक्चुअली किसके द्वारा परफॉर्म किया गया ठीक है नेचुर कंजर्वेशन फाउंडेशन के रिसर्चर्स के, के द्वारा इसको परफॉर्म किया गया पार्टनरिंग पार्टनरिंग विथ जे एंड के डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑल्सो रेज होप फॉर अदर इंपॉर्टेंट एंड रेयर स्पीसीज एज एशियटिक आईबेक्स ब्राउन बियर कश्मीरी मस्त डियर इन द अपर रिच ऑफ द नॉर्दन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी रिकॉर्ड ऑफ स्नो लिपर्ड फ्रॉम बाल्टल जोजिला एरिया ठीक है तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने रिकॉर्ड किया है कि इसको स्नो लिपर्ड को यहाँ पर हमने देखा है इन द रीजन ऑफ बाल्टल जोजिला एरिया In fact, we have a limited record of the presence of snow leopard uh, uh, across j and okay? so we have a lot of limited records. Okay? limited. Very, uh, uh, record of, uh, uh, regarding this. Okay. Now, the snow leopard uh, population assessment of the India has been included. हैज़ बिन कॉक्लूडेड सो फॉर इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ठीक है तो जो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया कि जो स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है इंडिया का ठीक है इट हैज़ बिन कॉन्क्लूडेड सो फार इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ठीक है द एस्टिटेड पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट कैट इज फिफ्टी एंड हंड्रेड रिस्पेक्टिवली ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली बताया जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो ग्रेट कैट की जो पॉपुलेशन है ये पचास और सौ के आसपास है ठीक सो so ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है इन दिस आर्टिकल और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कैमरा को जो कैमरा को है वो सेट किया गया और उस में रिकॉर्ड हुई है स्नोलीपर्डर्ड ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी और ये एक्चुअली बहुत सारे और अदर स्पीसीज़ को यहाँ पर ट्रैप करने की बात चल रही है ठीक है जैसे कि यहाँ पर एसिडिक आई है ब्राउन बियर है कश्मीरी मक्स डियर है ठीक है तो इन सारी रीजन्स में एक्चुअली ये जो स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर कैमरा में ट्रैप करेंगे ठीक है उनकी इमेजेस को ट्रैप करेंगे ताकि उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चल सके ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ओके यू कैन ईजिली मूव अहेड हेड मी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो मैं आपको जरूर आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा जैसे कि कल मुझसे छूट गया तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है तो ऐसे अगर मुझसे कुछ छूट जाएगा तो मैं आपको ऑफकोर्स पढ़ा दूंगा ठीक है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज फॉलकॉन हैवी लॉन्च द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल लॉकेट इन द वर्ल्ड ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है इसको लिखिएगा जरूर ओके ऑन नवंबर फर्स्ट एलॉन मस्क ऑन स्पेस एक्स लॉन्च दॉकेट इन सेंटर इन फ्लोरिडा ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके लिखिएगा कि जो मस्क की जो जो कंपनी है स्पेस एक्स उन्होंने एक बहुत ही हैविएस्ट रॉकेट को लॉन्च किया है किसके अर्थ के और ऑर्बिट में ठीक है अर्थ के ऑर्बिट में जिसका नाम है जियो स्प्राइनोस अर्थ ऑर्बिट ठीक है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है नीडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है ओके फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स नाइन थर्टी नाइन ए ठीक है तो थर्टी लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्टी नाइन ए से इसको लॉन्च किया गया ठीक है नीडी स्पेस सेंटर से ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सबसे वर्ल्ड की सबसे हैविएस्ट एज वेल एज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट इसको कहा जाता है ओके दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च फॉर यू एस मिलिट्री

and the first one in nearly थ्री years since its last launch in nine, 2019 ठीक है तो ये फोर्थ लॉन्च है इस जैन रॉकेट का और ये पहला ऐसा रॉकेट होगा जो कि तीन साल के अंतर्गत इसका एक्चुअली जो पिछला लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था 2019 में हमें लॉन्च होते हुए इसको पहले देखे थे ठीक है तो ये तीन साल में तीन साल बाद इसको तुरंत इसको लॉन्च कर दिया गया ओके नाव एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है क्या हो रहा है क्या मिशन है ठीक है एक्चुअली क्या है? स्पेसिफिकेशनस हैं जो फैलकॉन हैविएस्ट रॉकेट है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आर्टिकल बहुत ज़्यादा जबरदस्त है इसको लिख लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं वर्ल्ड so, की सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है ठीक है? वर्ल्ड रॉकेट है ठीक है? इस रॉकेट में क्या कैरी हो, हो रहे हैं टू दू एस मिलिट्री ठीक है यूएस मिलिट्री के लिए एक्चुअली स्पेस uh, में सेटेलाइट को कैरी करके ले जा रहे हैं इन मिशन नेम्ड यूएस स्पेस फोर्स यूएसएसएफ डबल फोर ठीक है तो यहाँ पर एक यूएस का मिशन है यूएस स्पेस फोर्स के यहाँ पर मिशन के लिए एक्चुअली ये रॉकेट यहाँ पर सेटेलाइट लेके जा रही है टू द स्पेस द मिशन डिप्लॉय टू स्पेस क्राफ्ट ठीक है तो जो, जो मिशन क्या करेगा डिप्लॉय करेगा दो स्पेस क्राफ्ट को वन ऑफ विच इज द टेट्रा वन माइक्रो सेटेलाइट क्रिएटेड फॉर वेरियस प्रोटोटाइप मिशन इन अराउंड जियोस्क्रेनस अर्थ और विच ठीक है तो अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो पहला होगा एक्चुअली देखिए जो मिशन होगा ये दो स्पेसक्राफ्ट पेलोट uh, को डिप्लॉय करेगा ठीक है जिसमें एक क्या होगा टेट्रा वन माइक्रो सेटेलाइट होगा विच क्रिएट करेगा क्या वेरियस टाइप ऑफ प्रोटो प्रोटोटाइप मिशन क्रिएट करेगा ठीक है विच इज फॉर द वेरियस प्रोटोटाइप मिशन ठीक है बहुत सारे प्रोटोटाइप मिशन के लिए एक्चुअली इसको लेकर जाया गया है इन अराउंड द अर्थ ऑर्बिट ठीक है और जो दूसरा पेलोड होगा इस फॉर द नेशनल डिफेंस पर्पज ठीक है पहला पेलोड मैंने आपको बता दिया uh, जो फॉर फॉर द वेरियस प्रोटोटाइप मिशन और दूसरा पेलोड किस लिए होगा फॉर द नेशनल डिफेंस पर्पज ठीक है तो नेशनल डिफेंस पर्पज के लिए दूसरा पेलोड होगा एंड इट विल प्लेस द सेटेलाइट फॉर स्पेस सिस्टम कमांड इनोवेशन एंड प्रोटोटाइपिंग ठीक है तो ये क्या करेगा सेटेलाइट को प्लेस करेगा फॉर स्पेस सेटेलाइट स्पेस सिस्टम कमांड एंड इनोवेशन प्रोटोटाइपिंग ठीक है तो स्पेस सिस्टम कमांड क्या है ये एक ओल्डेस्ट मिलिट्री मिलिट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसको लिखिएगा ज़रूर इसके बारे में कि स्पेस सिस्टम कमांड क्या है एक ओल्डेस्ट मिलिट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इन यू एस आर्म्ड फोर्स ठीक है तो यू एस आर्म्ड फोर्स में ये एक ओल्डेस्ट मिलिट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग एक्वायरिंग एन इक्विप फिल्डिंग सस्टेनिंग लेंथल एंड रिसाइलेंट स्पेस कैपेबिलिटीज ठीक है तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग एक्वायरिंग इक्विपिंग एंड फील्डिंग एंड सस्टेनिंग रिसाइलेंस स्पेस कैपेबिलिटीज के लिए रिस्पॉसिबल है एस एस सी मिशन कैपेबिलिटीज एरियाज इंक्लूड लॉन्च इक्विजन ठीक है ऑपरेशन कॉम्युनिकेशन पोजिशन नेविगेशन टाइमिंग ठीक है तो एस एस सीज के जो मिशन कैपेबिलिटीज uh, है वो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं एक्विजन इंक्लूड्स है ऑपरेशन इंक्लूड्स है, है ठीक है कॉम्युनिकेशन हो गया है पोजिशनिंग हो गए नाविगेशन हो गए आपके टाइमिंग हो गए स्पेस सेंसिंग हो गया ठीक है बैटल मैनेजमेंट कमांड हो गए ठीक है और एंड कम्युनिकेशन स्पेस डोमेन अवेयरनेस एंड पावर और कॉम्पैक्ट पावर ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एस में इंक्लूडेड है ओके ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है जो फैलकॉन हैविएस्ट uh, uh, जो एक्चुअली uh, जो ये हैविएस्ट uh, जो रॉकेट uh, था इसमें एक्चुअली तीन बूस्टर का यूज़ किया गया ठीक है फॉर एडेड थ्रस्ट एंड लिफ्ट कैपेसिटी ठीक है जो लास्ट के जो दो बूस्टर थे वो एक्चुअली लैंड कर गए केप कार्निवल में कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन में एक्चुअली इसको लॉन्च लैंड किए और एक्चुअली बताया गया है इनके द्वारा कि आने वाले टाइम में फदर्स मिशन में इसका यूज़ किया जाएगा ताकि जो मिशन की जो कॉस्ट है उसमें हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीजें एक्चुअली बताए गए हैं ओके नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ फैलकॉन हैवीस्ट रॉकेट स्पेस एक्स क्लेम फैलकॉन हैवी टू बी द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड टुडे बाय द फैक्टर ऑफ टू ठीक है तो यहां पर बताया गया कि जो स्पेस एक्स ने एक्चुअली क्लेम किया है कि जो फेलकॉन हैवीस्ट रॉकेट है मोस्ट वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है ठीक है आज के डेट में दो चीज़ों की वजह से पहला विद लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड ट्वेंटी सिक्सटी फोर मेट्रिक टनस इंटू ऑर्बिट ठीक है तो पहला किस चीज़ के लिए लिफ्टिंग कैपेसिटी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये लिफ्ट कर सकता है सिक्सटी फोर मेट्रिक टन के चीज़ों को इन द इंटू द ऑर्बिट ठीक है एंड दूसरा द फैलकॉन हैवी फैल्कॉन हैवी कैन लिफ्ट मोर दैन ट्वाइस ऑफ द पेलोड ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली बताया जाए जो फेलकॉन हैवी है यह लिफ्ट कर सकता है मोर देन ट्वाइस द पेलोड ऑफ़ द नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑपरेशनल व्हीकल द डेल्टा फोर हैवी ठीक है रॉकेट इसकी एक्चुअली इस, इस रॉकेट की हाइट कितनी है सत्तर मीटर इसकी हाइट है वेथ की अगर बात करूँ तो ट्वेल्व पॉइंट टू मीटर एंड मास है कितना लगभग फोर्टीन फार्ट, लाख ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास ठीक है तो फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास आ, किलो ग्राम आ, के आसपास इसकी मास है ठीक है ये yes, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा ओके फैल्कॉन हैवी हैज़ ट्वेंटी सेवन मर्लिन इंजन ठीक है तो फेल्कॉन हैवी में कितने ट्वेंटी सेवन मर्लिन इंजन हैं विच टुगेदर जनरेट मोर देन फाइव मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट एट लिफ्ट ऑफ इक्वल अराउंड द एटीन 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 सेवन फोर सेवन एयरक्राफ्ट एट फुल पावर्स ठीक है तो एक्चुअली यहाँ पर जो ट्वेंटी सेवन मरलिन इंजर्स से, है इंजन है से उसका एक्चुअली काम क्या है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पावर एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ करता है एंड इट इज़ वेरी मच इक्वेलेंट टू द एटीन सेवन फोर सेवन एयरक्राफ्ट ठीक है तो सेवन फोर सेवन एयरक्राफ्ट अट्ठारह सेवन फोर सेवन एयरक्राफ्ट के इंजन जितना ये पावरफुल होगा ठीक है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलियंस ऑफ पाउंड में यहाँ पर थ्रस्ट को यहाँ पर क्रिएट करता है ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेक इट्स मोर कैपेबल रॉकेट फ्लाइंग ठीक है तो इसकी वजह से ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर कैपेबल हो पाती है ठीक है द रॉकेट कैन लिफ्ट द इक् ऑफ फुल्ली लोडेड सेवन थ्री सेवन जेट लाइनर कम्प्लीटेड uh, complete विथ पैसेंजर लगेज एंड फ्यूल टू ऑर्बिट ठीक है तो ये सारी चीज़ें स्पेस एक्स के, के द्वारा कहा जा रहा है कि जो रॉकेट है इट कैन लिफ्ट इक्विवेलेंट टू द फुल्ली लोडेड सेवन थ्री सेवन जेट लाइनर और पैसेंजर्स लगेज फ्यूल को ऑर्बिट में ईजिली आराम से पहुँचा सकते हैं ओके मॉलिन क्या है एक फैमिली uh, है ठीक है मॉलिन इज अ फैमिली ऑफ रॉकेट इंजन ठीक है रॉकेट इंजन की यह फैमिली है जिसको डेवलप्ट uh, किया गया स्पेस एक्स के द्वारा फॉर द यूज़ ऑफ इट्स एन फैलकॉन वन फेलकॉन नाइन एंड फैलकॉन हैविएस्ट लॉन्च ठीक है तो ये सारी चीज़ों

गया। इन इंजन को डेवलप एक्चुअली इसलिए किया गया कि आगे आने वाले टाइम में इसको रिकवर किया जा सके ठीक है इसका रिक यूज़ किया जा सके सो so दैट अगर आने वाले टाइम में अगर हम इन इंजन्स का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगी जो कॉस्ट होगी फॉर द नेक्स्ट लॉन्च वो क्या होगा कम होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर नासा के द्वारा स्पेसिस uh, के द्वारा यहाँ पर बताया गया स्पेस एक्स लास्ट लॉन्च इट्स फैलकॉन हैवी रॉकेट इन जून टू जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया इसका सबसे इसका लास्ट लॉन्च कब था दो जून में इसने लास्ट लॉन्च किया था फ्रॉम नासा नीडी स्पेस सेंटर ठीक है इट कैरीड ट्वेंटी फोर एज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम टू ठीक है तो उस टाइम पे जो 2019 में फाल्कन ने टेस्ट किया था ठीक है स्पेसएक्स ने जो भेजा था फाल्कन रॉकेट ठीक है तो उसमें क्या थे 24 फोर सेटेलाइट से एज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम टू ठीक है उससे एक्चुअली एक्चुअली सेटलाइट्स थे उसमें क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ चार नासा के सेटलाइट्स uh, थे द सेटलाइट्स इंक्लूड फोर नासा टेक्नोलॉजी एंड साइंस पेलोड टू स्टडी नॉन टॉक्सिक स्पेस फ्यूल डीप स्पेस नेविगेशन ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली नासा के कुछ सेटेलाइट्स थे ठीक है उसमें चार uh, के आसपास थे देखने को मिलेंगे द सेटलाइट्स इंक्लूड फोर नासा टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्पेस पेलोड्स टू स्टडी नॉन टॉक्सिक स्पेस क्राफ्ट फ्यूल ठीक है यहाँ पर डीप स्पेस नेविगेशन बबल्स इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज लेयर ऑफ अर्थ अर्थ अपर एटमोसफेयर रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉर सेटेलाइट ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू द नासा रिलीज स्पेस एजेंसी सेट दैट द मिशन वॉज यूजफुल फॉर स्मार्टर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन एंड बेनिफिटेड द एजेंसी मून टू मार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम प्लान्स बाई प्रोवाइडिंग ग्रेटर इंसाइट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन टू इन द स्पेस ठीक है तो यहाँ पर स्पेस एजेंसी ने कहा कि जो मिशन है इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर द स्मार्टर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन ठीक है ये बहुत ज्यादा यूजफुल था फॉर द स्मार्टर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन और बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट हुआ कि इनको कुछ जो रेडिएशन्स होती हैं स्पेस में उसके इफेक्ट को इन्होंने एक्चुअली देखा ठीक है और वही सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर एक्सप्लोरेशन ये कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर नासा के चार से, जो सेटेलाइट्स थे उसमें चार चीज़ों पे यहाँ पर लेकर गए टेक्नोलॉजीज और सेटेलाइट्स भी यहाँ पर लेकर गया ये फैलकॉन हैविएस्ट रॉकेट ठीक है सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया होप यू गॉट क्लैरिटी एंड इस मिशन को एक्चुअली देखिए टाइम लग गया ठीक है दो में इसको शेड्यूल किया गया था कि दो में हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे बट इसमें हमें डिले देखने को मिला स्पेस के साइड से अभी कोई यहाँ पर ओपिनियन नहीं आया है कि एक्चुअली ये डिले किसकी वजह से हुआ ठीक है कुछ भी यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा है ठीक है और भी बहुत सारी यहाँ पर स्पेसएक्स ने लॉन्च की हैं बहुत सारी चीज़ें फैलकोन हैवी ने अपना डेब्यू किया था 2018 में ये एक्चुअली बताया गया है ओके और यहाँ पर स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं ओ एलॉन मस्क वो इन्होंने अपना पर्सनल रेड टेस्ला और रेडस्टर जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट स्पोर्ट कार है विथ डमी ड्राइवर इन्होंने स्पेस में भेजा था टेस्ट एज अ टेस्ट पेलोड ठीक है और अभी भी ये कार कहाँ पर है स्पेस में है और ये uh, लगभग uh, जो सन uh, के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है ठीक है एंड ट्रैवलिंग एज फार अवे एज़ मार्स ऑर्बिट एंड एट टाइम एज क्लोज एज अर्थ ऑर्बिट ठीक है तो स्पेस एक्स लॉन्च अदर टू फैलकॉन हैवीएस्ट मिशन इन 2019 ठीक है तो यहाँ पर 2019 में उसने फिर अगेन यहाँ पर दो फैलकॉन हैविएस्ट मिशन लॉन्च किया ठीक है uh, जिसमें यहाँ पर एक में टी एंड फोन सर्विस सेटेलाइट्स थी टू द ऑर्बिट ऑफ साउथ अरेबिया बेस्ट अरब सेट ठीक है और दूसरा में एक यू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटलाइट्स को लेकर ये उड़ा था 2019 में ठीक है तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिए यहाँ पर टी वी फोन सर्विस सेटेलाइट थी और यूएस डिपार्टमेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटलाइट कुछ कैरी करके ये गया था 2019 में ओके सो होप यू वॉट क्लैरिटी और एक्चुअली ये जो दो में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेटलाइट्स थे वो नासा के वो मैंने आपको बता दिए चार सेटलाइट्स के नासा के चार सेटलाइट्स को लेकर ले ये रॉकेट लॉन्च हुआ था ओके सो फालकॉन हैविएस्ट लॉन्च था ये मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है इन द वर्ल्ड का ठीक है क्यों है यह भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक्चुअली इसमें जो रॉकेट यूज किया जाता है जो प्रॉपलेंट यूज किया जाता है उसका बहुत ही तगड़ा यूज होता है और बहुत ही ज्यादा काम का है वो आगे आने वाले टाइम उसको री -उस भी हम कर सकते हैं ठीक है आगे आने वाले टाइम उसको हम रीयूज -उस भी कर सकते हैं मर्लिन इंजन का यूज किया जाता है इसमें ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी ना टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी है ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक्चुअली मेन मकसद क्या था कि एक लॉ फॉर द इंटायर कंट्री ठीक है चाहे वो किसी भी रिलीजियस मैटर के हो ठीक है चाहे वो मैरिज से हो डावोर्स से हो एनी अदर थिंग्स ठीक है तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ बहुत बार रिपीट किया हूँ ठीक है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ठीक है एक्चुअली ये इंडिया जो इतना आ, बड़ा जो कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा ये आर्गुएबल टॉपिक है ठीक है हम जानते हैं कि बहुत सालों से ये एक्चुअली जो टॉपिक है वो चलता आ रहा है कि हमारे जो लॉ है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है ठीक है चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग से लॉ है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट्स हो गए सिविल प्रोसीडिंग कोर्ट्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स ये सारी चीजों में आपको यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी देखने पर नहीं मिलेंगी वही सारे आर्टिकल्स पुराने जो मैंने आपको पढ़ाए थे ठीक है और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर मूव करते हैं हम अपने एडिटोरियल सेक्शन पे पहला एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आप सबको पता है आज के डेट में हमें दूसरों कंट्रीज़ के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है हमें खुद के बारे में जानने की जरूरत है कि हमें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है कैसे क्या करना है उसके बारे में हमें सीखने की ज़रूरत है ठीक है ब्राजील में आप सबको पता है आज के डेट में इलेक्शन हुए थे ठीक है थर्टीज ऑफ अक्टूबर के टाइम पर इलेक्शन हुए थे और उस टाइम पर यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया था ठीक है लूला सिल्वा के रूप में और जे जेर बोलसनारो यहाँ पर हार गए थे तो उसके बारे में जो बताया गया कि आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा ठीक है ब्राज़ील के लिए ब्राज़ील की जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होगी वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस किया गया है okay, ओके तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे ओके okay? नेक्स्ट मूव करते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ आर्किटेक्चर एंड द प्रोफेशन नीड्स स्ट्रेंदनिंग ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि जो आर्किटेक्चर है और प्रोफेशन है उसको यहाँ पर स्ट्रेंदन करने की ज़रूरत है ठीक है हमें यहाँ पर जो पहले की जो चीज़ें थी ठीक है पहले जो डेफिनेशन था आर्किटेक्चर का उसको रिमूव करने की ज़रूरत है ठीक है उसकी क्यों क्योंकि वो चीज़ें को सस्पेंड करके रखी हुई हैं ठीक है वो चीज़ों को सस्पेंड करके रखी हुई है वो प्रोफेशन को सस्पेंड करके रखी हुई है ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है इट इज़ फिफ्टी ईयर्स Architect Act 1972 was passed to help बिल्ड द मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर्स ठीक है तो 50 साल हो चुके हैं ठीक है थीके? 50 साल हो चुके हैं उन्नीस में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था आर्किटेक्ट एक्ट ठीक है और इस एक्ट act को एक्चुअली पास किया गया था क्यों टू बिल्ड मॉडर्न मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर्स ठीक है ताकि मॉडर्न प्रोफेशन बिल्ड हो सके आर्किटेक्चर्स के ओके आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट है स्टिगली स्टडी प्रो, प्रोग्रेस सिंस देन ठीक है तो आर्किटेक्ट्स में हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला है ठीक है बहुत ही एक लिटिल प्रोग्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिला है स्टैब्लिश कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन इस एक्सपेंडेड द प्रोफेशनल बेस ठीक है ना यहाँ पर हमने कुछ उनके जो चीज़ें हैं उनको हम समझ नहीं पाएँ देख लीजिए क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ जिस चीज़ों को समझना चाहिए वहाँ हम नहीं समझते हैं ठीक है और जिस चीज़ें नहीं समझनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा अपनी तेज़ी से दिमाग लगाने लगते हैं ठीक है तो जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी हम वैल्यू यहाँ पर नहीं समझ पाए यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर क्लेम करती है कि एक्चुअली जो चीज़ें हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रही है ठीक है और हमने यहाँ पर स्टडी प्रोग्रेस देखा है उस टू के बाद ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर डी प्रोग्रेस देखा है देयर आर नाउ अबाउट वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ठीक है विथ अराउंड टेन थाउजेंड न्यू रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर ठीक है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लगभग हमारे पास कितने वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड के आसपास हमारे पास रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर हैं और उसमें अराउंड लगभग दस हज़ार के आसपास न्यू जो रजिस्ट्रेशन हमें हर साल देखने को यहाँ पर मिलते हैं हाउ एवर इंस्टेड ऑफ़ इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस आर्किटेक्ट्स सीम टू बी फेसिंग द सेम दे कन्फ्रंटेड फिफ्टी ईयर्स अगो ठीक है तो यहाँ पर इन सारे कॉन्फिडेंस और सक्सेस के बाद भी अगर हम देखें तो जो आर्किटेक्ट्स हैं ये बहुत सारी डेलीमाज uh, को एक्चुअली uh, फेस करते हैं जो वो पचास साल पहले फेस किया करते थे ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है द प्रोफेशन हैज़ येट टू बी रिकॉगनाइज इन इट्स ओन राइट्स एंड द बेटर रिवाइवली विद इंजीनियरिंग कजिम्स ठीक है हाउ लो प्रोफेशन फीस स्ट्रक्चर्स ठीक है uh, एंड पुअर प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट फोर्स कन्फ्यूजिंग अबाउट द रोड हेड ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है ठीक है लो प्रोफेशनल फीस स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग कजनस ठीक है और पुअर प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट फोर्स एंड कन्फ्यूजन अबाउट रोड रोड हेड्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स जो रिफॉर्म्स चाहते हैं चाहते हैं कि हमारे जो एक्ट्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया जाए और द डिमांड्स डैट द स्टेट प्रोटेक्ट्स प्रोफेशनल फदर्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पर इस प्रोफेशन को एक्चुअली जो ये प्रोफेशन है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट किया नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो वही सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है कि जो प्रोफेशनलाइजेशन है इज़ अ मोनोपाली ऑफ सर्विस गिवन टू दो हुई एक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज ठीक है तो ये क्या है कि मोनोपोली है ऑफ सर्विस का टू गिवन टू दोज हुई एक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्ट जो हैं सब्सक्राइब्स टू दिस आइडियल रिव्यू ठीक है पहला तीन चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई ऑन द थ्री बेस थ्री की फैक्ट्स ठीक है पहला दैट इज अ प्रोफेशन हैज नो इंटरेंसिक प्रिविलेज बट इट्स सिक्योर्ड ओनली थ्रू स्टेट सपोर्टेड लेजिस्लेशन ठीक है तो यहाँ जो प्रोफेशन है प्रोफेशन है ये कोई भी यहाँ पर नो इंट्रेंसिक प्रिविलेज नहीं है ठीक है इसको सिक्योर किया जा सकता है ओनली थ्रू स्टेट सपोर्टेड लेजिस्लेशन दूसरा जो इन द इंडियन कॉन्टेक्स द प्रोफेशन वॉज नॉट फॉर्म्ड फ्री ऑफ कंटेस एंड द डिबेट सीज्ड थर्ड मोर इम्पॉर्टेंटली द ग्राउंड कंडीशन हैव ऑल्टर्ड ओवर द लास्ट थ्री डिकेट्स एंड एज एक्सटेंसिव कंज्यूमर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस द मार्केट हैज़ इस्टैब्लिश इट्ल्फ एज लीड पैट्रॉन ठीक है तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्चुअली बताया गया कि जो ग्राउंड कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ठीक है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जो चीज़ें हैं उससे अगर हम मैं ग्राउंड को कम्पेयर करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ओके तो यहाँ पर हमें जो प्रोफेशन है प्रोफेशनस है आर्किटेक्ट्स हैं इन सारे प्रोफेशन को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है एक्चुअली ये सारी चीज़ें बताई गई ठीक है वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन जो पहले कुछ uh, पहले सालों में जो definitions था प्रोफेशन का उनको हमें चेंज करने की जरूरत है ठीक है और हमें कुछ चीजों को अबेंडन करने की जरूरत है ठीक है जो कि हम नहीं किए थे उन सारी चीजों को अबेंडन करने की जरूरत है ये एक्चुअली इस आर्टिकल में बताया गया है ऑथर के द्वारा ओके okay, और कुछ चीज इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था इसलिए मैं पूरे आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ाऊंगा ओके जो मेन इंपॉर्टेंट था दैट इज फालकोन वाला और उसके बाद जो आपके मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको जो बताया दैट इज आर्किटेक्चर्स को स्टंडेड करने की जरूरत है गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग सोचने की जरूरत है ठीक है नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ब्लैक हनी भी इज़ अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी ठीक है इंडियन ब्लैक हनी बी इज अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी अ न्यू स्पीसीज ऑफ एंडमिक हनी बी हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द वेस्ेस्टर्न घाट ठीक है तो वेस्टर्न घाट में एक नया स्पीसीज हनी बी का डिस्कवर किया गया और इसका नाम क्या है इस स्पीसीज का नाम लिख लीजिएगा एपिक्स खरिन जो इंडियन ठीक है तो खरिनजो इंडियन द गि द गिन द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी द फाइंडिंग हैज़ बिन पब्लिश्ड इन सप्तम्बर इशूज एट ठीक है तो एक्चुअली इसका नाम लिख लीजिएगा एपिक्स खनिनजरो है ओके okay, ये नई एक्चुअली डिस्कवरी है इसको रिसर्चर्स टीम्स बहुत सारे लोगों ने इसको मिलकर एक्चुअली इसको डिस्कवर किया गया ठीक है और इट इज आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन ईयर दैट न्यू देस ऑफ हनी हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन द वेस्टर्न घाट ठीक है तो दो सौ साल के बाद हम ऐसा देखेंगे कि नई हनी बी की न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया गया इन द वेस्टर्न घाट रीजन ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये दो सौ साल के बाद ऐसा डिस्कवरी हमें देखने को मिला है ओके okay, uh, खरिंजो इसका नाम है लिख लीजिएगा ओके okay, जो कि फाउंड हुआ है कहां पर सेंट्रल टू द ददर वेस्टर्न घाट में इसको फाउंड किया गया है ओके okay? और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स की टीम ने मिलकर इसका पता लगाया है और लगभग 200 साल के बाद इसका इसके इसकी डिस्कवरी हुई है ठीक है सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो दैट सेट फॉर टूडेज़ न्यूज़ पेपर थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो थैंक यू नाइस डे